दोस्तों, हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं। रूम पे पहुंचने के बाद में लगेज वगैरह रखेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग ताजमहल टहलने के लिए। उसके बाद ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हम दो लोग हैं, हम और राजा, अभी जाएंगे ताजमहल देखने। तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है रूम से, जाएंगे अभी, फिर मिलते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। फाइनली गाइस, दोस्तों हम लोग ताजमहल से कुछ ही दूरी पे आ चुके हैं। बस कुछ ही दूरी पे यहाँ से ताजमहल बचा हुआ है। तो देखिए, ये यहाँ से जो सवारी वगैरह यहाँ पे नहीं चलती हैं, ये देखिए, कुछ पैदल वॉक करके जाना पड़ता है, जो थोड़ी दूरी पे है। बस मैक्सिमम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग ताजमहल। फिर वहाँ पर पहुँच के दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। मौसम भी काफ़ी मस्त है, 11 बज चुके हैं। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए, कुछ इस साइड में चलने की, ये बस इस साइड में चलने की जगह बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे लोकल वगैरह के जो लोग हैं, ये लोग गाड़ी वगैरह ले जा सकते हैं, बाकी ऑटो वगैरह यहाँ पे नहीं चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे झाड़ी वगैरह लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पे व्यू। मौसम भी काफ़ी यहाँ पे सही है। ये देखिए, राजा भाई साथ में आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं अंदर वॉक करा टहलाने के लिए, सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। देखिए, ताजमहल का जो गेट है दिख चुका है हम लोगों को, बस कुछ ही समय में पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों चलते हैं, फिर ब्लॉग में बने रहो। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे काफ़ी आए हुए हैं, यहाँ से जा रहे हैं अब ताजमहल की ओर। बच्चे भी, बच्चे वगैरह लोग सब बाइक से घूमेंगे, हम लोग चलते हैं। ये देखिए, सामने गेट दिखाई दे रहा जो एंट्री गेट है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे कैंटीन वगैरह है। और आप लोगों को हम लोग एक बात सजेस्ट करना चाहते हैं कि कभी भी यहाँ आइए आगरा, तो यहाँ आके ऑटो वाले और जितने भी दुकानदार जैसे कि ये हैं, इन लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जो अंदर नहीं होता है वो यहाँ बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इनकी बातों पे ना आइए, आप आगे जाइए, इंटर वाली गेट पे पहुँचिए, वहाँ जो भी होगा वो आपको ये सब बता देंगे। लेकिन उससे पहले किसी की भी बात आप ना सुनिए, वरना आप का पैसा फालतू का वेस्ट हो जाएगा। पैसे तो आप जानते हैं बड़ी मेहनत से आते हैं, इसीलिए। और बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर सभी शॉप वगैरह हैं, रिटर्न में आते समय यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा वगैरह बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए ताजमहल का गेट आ चुका है, यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। तो फाइनली गाइस, दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे काफ़ी ऊँचे ऊँचे लेवल के टिकट हैं। देखिए बंदा गया हुआ है टिकट लेने, जल्दी टिकट लेके आ जाएगा। तब तक हम थोड़ा लाइन में लगे रहते हैं, इधर शॉप वगैरह दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, बंदे का नंबर आ गया, टिकट लेके जल्दी आ रहा है टिकट। देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर सामने एंट्री गेट है, जहाँ पर टिकट वगैरह लेने के बाद वहाँ पर चेक वगैरह होता है, लगेज वगैरह सब चेक होता है, उसके बाद अंदर जाने दिया जाता है। जो ज़्यादा लगेज बैग वगैरह होता है वो अंदर नहीं ले जाने देते, वहीं के पास
बैग को रखना पड़ता है, उसका बैग रखने का चार्जेस लगभग 20 से 50 रुपए होता है बैग के ऊपर जैसा बैग होगा। देखिए दोस्तों फाइनली गाइस टिकट मिलने ही वाला है। तो दोस्तों फाइनली गाइस हम लोगों को टिकट मिल चुका है, कुछ इस तरीके का टिकट है जो 50 रुपीस का मिला हुआ है। बाकी अलग कंट्री के लिए अलग प्राइस होता है टिकट का, हम लोग इंडियन ही हैं इसीलिए इसका टिकट का प्राइस 50 रुपीस है। चलिए फिर ये देखिए एंट्री गेट है सामने, यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। तो देखिए राजा भाई आगे आगे चल रहे हैं। कुछ एंट्री गेट के सामने भी शॉप वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे बैग वगैरह जमा करना पड़ेगा। बैग जमा करना है। देखिए हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं अभी एंट्री कर लो उसके बाद जमा करना। अंदर से बोलने जमा करने के लिए तो फाइनली गाइस दोस्तों हम लोग अंदर एंट्री ले चुके हैं। जो हम लोगों के पास बैग वगैरह था वो सब कुछ जमा करवा लिया गया है, उसके बाद केवल जो ट्राईपॉड वगैरह था वो भी सारा का सारा जमा करवा लिया। अब हाथ में लेके ही मोबाइल बोल रहे ऐसे ही वीडियो बनाओ। तो दोस्तों कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे, ताजमहल बना हुआ है, पिक वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, देखिए इस पीछे की साइड में वो अभी सब कैमरा बैक करके हम लोग आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए सभी ये देखिए कुछ अंदर बैग वगैरह जमा करने का टिकट वगैरह। ये देखिए टिकट का बैग वगैरह जो जमा किया उसका ये टोकन मिला हुआ है हम लोगों को। ये देखिए बाकी जो है हम लोग गेट के अंदर एंट्री कर चुके थे, अब ताजमहल जस्ट मिनट में देख ही जाएगा हम लोगों को। तो फाइनली गाइस दोस्तों ये देखिए जो ताजमहल के अंदर का एक गेट बना हुआ है, ये देखिए सामने ताजमहल दिख रहा है। चलिए ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग सेकंड एंट्री करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग पे बने रहे कंटिन्यू, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये देखिए राजा साथ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी छाया है इसलिए थोड़ा आराम वगैरह करते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर सेकंड गेट में एंट्री लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से बहुत ही अलग अलग कंट्री से टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। देखिए काफी यहाँ पे पब्लिक है, बाद में पता चलेगा। देखिए चलिए हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग एंट्री ले रहे हैं, राजा बोल रहा है थोड़ा आराम। चलिए मोड चेंज हो गया, हम लोग अंदर ही जाके रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए कुछ काफ़ी कितना मस्त लग रहा है ताजमहल के एंट्री के गेट, इसके अंदर से डायरेक्ट पूरा का पूरा ताजमहल ही दिखाई जाएगा। तो फाइनली गाइस दोस्तों हम लोग ताजमहल के अंदर पहुंच ही चुके हैं, अंदर नहीं ताजमहल के पास में। ये देखिए ज़रा कुछ इसके अंदर से देखिए, मेन गेट के अंदर से ताजमहल दिखने लगा हम लोगों को।
देखिए फाइनली गाइस सामने ताजमहल दिख रहा है। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहे कंटिन्यू, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग बनेगा ये वाला। ये देखिए फाइनली गाइस ताजमहल धूप की वजह से कम दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं थोड़ा रुक के, देख यहाँ पे ये देखिए ताजमहल की फुल क्लैरिटी आ रही है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितने टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं सब, सभी लोग। ये देखिए ताजमहल, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लग रहा है। ये देखिए पब्लिक बराबर आ ही रही है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में देखिए राजा तुमको यहाँ पे कैसा लग रहा है? ये देखिए राजा भी बोल रहा है काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे देखिए अदर कंट्री के अंग्रेज वगैरह खड़े हुए हैं। देखिए हम लोग कुछ साइड में आते हैं यहाँ से। देखिए सारे के सारे कैमरा मैन खड़े हुए हैं जो एक फ़ोटो क्लिक करने का 20 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सेकंड गेट के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है। तो फाइनली गाइस दोस्तों थोड़ा इस साइड में हम आप सभी लोगों को कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सामने एक कपल फोटो वगैरह ले रहा है कैमरामैन के साथ हो रहा है। ये देखिए इस साइड में देखिए यहाँ पे शौचालय वगैरह बना हुआ है। देखते हैं यहाँ पे ताजमहल का व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो फाइनली गाइस दोस्तों अभी हम लोग ताजमहल के पास में जाके आप सभी लोगों को वीडियो दिखाएंगे, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े वीडियो बन जाएगी तो इसको एक दो पार्ट में बना के डालेंगे। दोस्तों रखते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। तो फाइनली गाइस दोस्तों हम लोग ताजमहल के जस्ट पड़ोस में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये देखिए पीछे की ओर ताजमहल है, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे कितने पब्लिक वगैरह है जो सब फोटो वगैरह शूट करवा रही हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कैमरा मैन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं। देखिए हम लोग छाए घूमते घूमते घोड़ों की साइड में आ चुके हैं। ये देखिए जो फुल बना हुआ है, ये देखिए कितना क्लियर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे हवा भी काफ़ी खूब सुंदर चलती है। देख सकते हैं दोस्तों मौसम यहाँ का कैसा है, स्काई भी ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखिए ताजमहल आगरा का जो यहाँ का सबसे आगरा का फेमस ताजमहल, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर यह बना हुआ है घर से। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अदर कंट्री से टूरिस्ट वगैरह आते हैं। तो राजा जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने से। ये हम लोग वीडियो में नहीं बता सकते, ये देखने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। यहाँ की फीलिंग जो है वीडियो में हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आना खुद पे खुद पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पीछे की साइड में पानी चल रहा है, ये ताजमहल की शान है। देखिए ताजमहल यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सामने गेट बना हुआ है, सारा संगमरमर पत्थर लगा हुआ है जो आज के ज़माने में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो कम ही होगा। बहुत ही है बताते रहे कीमत, हम लोग अंदाज़ा चाहे जितनी भी लगा लें तो कम ही लगा पाएंगे।
इसके मुकाबले में नहीं लगा पाएंगे। बाकी ये देखिए ताजमहल के जस्ट पास में आ चुके हैं। ये देखिए कुछ पीछे ताजमहल है, जस्ट हम लोग पास में आ चुके हैं। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज लग रही है हम लोगों को, शरीर का पसीना बंद नहीं हो रहा है चेहरे का। बैग वगैरह में रुमाल वगैरह था सब जमा करवा लिया, चश्मा पोंछने वाला जो कपड़ा होता है उससे फेस को बार बार पोंछना पड़ रहा है। देखिए चलते हैं हम लोग यहाँ से ऊपर। तो फाइनली गाइस दोस्तों, देखिए पीछे मस्जिद है जो बहुत ही सदियों पुरानी है, राजा महाराजाओं के ज़माने की। ये देखिए वजू खाना जो सामने बना हुआ है, ये देखिए सामने ताजमहल जो यहाँ की शान है। देखिए कुछ मस्जिद के पास हम लोग जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही अच्छा आ रहा है। दोस्तों ये देखिए पीछे मस्जिद की साइड में आ चुके हैं। इधर नदी है गंगा या यमुना, इसका नाम डिसाइड नहीं हो पा रहा हमको। यमुना ना, यमुना नदी है। ये देखिए पीछे, चलिए हम आप सभी लोगों को यहाँ की यमुना नदी जो है पास में दिखाते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा पब्लिक है। तो ये देखिए दोस्तों ये नदी है,